Vande Mataram students, how are you? Okay, I think you can enjoy my first video, so I will send you my second video. Second video is kinds of sentence. First of all, we can teach what is sentence. Sentence क्या होता है ये हमने first video में देखा है. अब हम लोग देखते हैं कि sentence के कितने प्रकार होते हैं. How many kinds of sentences? Okay, four kinds of sentences. That means statement sentence, question sentence, request sentence or command sentence, happy or sad sentence. So I will show you one by one and explain it. Okay, statement sentence. Statement sentence means when a statement or when a sentence states a fact, it is called a statement sentence or such as a sentence, it is also called an assertive sentence. For example, the Qutub Minar is in Delhi. Yes, Qutub Minar is in Delhi means Qutub Minar Delhi mein hai. Haan, it is fact. Qutub Minar Delhi mein hi hai. Jo reality hoti, jo fact hota hai, us sentence ko hum log assertive sentence kehte hai. Okay, second example is Shri Narendra Modi is the Prime Minister of India. Yes, it is also a fact ki Narendra Modi jo hai wo hamare India ke Prime Minister hai. Shrimati Indira Gandhi is the first Prime Minister of India. Yes, it is also hamare desh ki jo first Prime Minister hai wo Mrs. Indira Gandhi thi. So, aise sentence mein hame jo fact hote hain wo dikhane hote hain aur aise sentence ko hum log assertive sentence kehte hain. Second is question sentence. It is also interrogative sentence. इसे हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं. When a sentence asks something, it is called a question sentence. It is also called a interrogative sentence. For example, who answered the doorbell? What is your name? Okay, यहाँ पर मैंने आपको आपका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है. इट मीन्स मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वेश्चन सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस. व्हाई आर यू सैड, यहाँ पर मैंने आपको पूछा व्हाई आर यू सैड, इट इज ऑल्सो क्वेश्चन. इट मीन्स आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसका आंसर देना होगा. तो ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है वो क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. द थर्ड इज रिक्वेस्ट और कमांड. इन अ सेंटेंस व्हेन समवन रिक्वेस्ट फॉर समथिंग और ऑर्डर समवन, इट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट और कमांड सेंटेंस. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इंपरेटिव सेंटेंस. इसे हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं. एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. यहाँ पर मैंने आपको प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज मुझे वन ग्लास ऑफ वाटर दीजिए. यहाँ पर क्या हुआ, ये सेंटेंस क्या है, रिक्वेस्ट है. सेकेंड एग्जाम्पल, गो एंड शट द डोर. यहाँ पर मैंने आपको कमांड दिया है कि आपको डोर बंद करना है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड सेंटेंस. हमें रिक्वेस्ट एंड कमांड सेंटेंस को हमें इंपरेटिव या आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं. डू नॉट मूव फ्रॉम अ हियर, यहाँ डू नॉट मूव फ्रॉम हियर, यहाँ पर मैंने आपको कमांड दिया है कि आपको यहाँ पर आना नहीं है. स्टडी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, यहाँ पर मैंने आपको कमांड दी है कि आपको पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करनी है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हार्ड वर्क करना है, तो यहाँ पर मैंने आपको कमांड दी है. एंड फर्स्ट एग्जाम्पल जब मैंने दिया आपको प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर मैंने आपको रिक्वेस्ट की. तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग रिक्वेस्ट सेंटेंस, कमांड सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. लास्ट वन इज हैप्पी एंड सैड. इसे हम लोग एक्सक्लामेटरी या विस्मय आदि बोधक वाक्य भी कहते हैं. ऐसे वाक्य में इंटरजेक्शन, यहाँ पर हमारे जो भाव है, खुशी हो, दुख हो, जो अचानक से उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग इंटरजेक्शन या एक्सक्लामेटरी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, हम लोग कहते हैं वाह व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. अ सेंटेंस विच डिनोट्स
strong या sudden feeling such as happiness or suddenly sadness, it is called a exclamatory sentence. So, four kinds of sentence जो मैंने आपको सिखाए आज, statement है, question है, request and happy or sad. Statement sentence, it means a fact. Question sentence means आपको question पूछना है. ऐसे sentence में last में हमें question mark होता है. Request और command sentence, ऐसे sentence में please होता है. या हम लोग किसी को request करते हैं या तो हम किसी को command देते हैं. And happy और sad या तो exclamatory sentence, it means यहाँ पर हमारी sudden expressions होते हैं. इसमें हम लोग दुखी है, खुश है, ये हमारे ऐसे वाक्य को हम लोग interjection भी कहा जाता है. तो मैं चाहती हूँ कि आपको ये sentence समझ में आ गए होंगे.